Competition community for the first time is coming up with CGPSC Pre English Minimum course. I am prakash Giri and I have dealt with Chhattisgarh Journal Studies in such a manner that the entire syllabus, along with the necessary and reliable information with the help of maps and graphs, have been covered in a very concise manner, which will definitely prove to be very helpful for your preparations. So, hurry and grab this opportunity as soon as possible. Thank you and take care. सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में मैं हूं आनंद कुमार और आज के इस लेक्चर में हम पिछले कुछ दिनों का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर एनालिसिस करने जा रहे हैं लास्ट टाइम हमने इलेवंथ ऑफ नवंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सब का हमने एनालिसिस कर लिया था आज के इस लेक्चर में हम ट्वेल्थ ऑफ नवंबर से लेकर आज तक यानी कि ट्वेंटी ऑफ नवंबर तक छत्तीसगढ़ के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सब का यहाँ एनालिसिस करने वाले हैं शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ आपको मिलेगा यहां यानी कि टेलीग्राम चैनल पे जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो यहां जाकर आप टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा क्योंकि इस लेक्चर का पीडीएफ आपको यहीं से मिलेगा चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा नेशनल करंट अफेयर्स या फिर किसी भी तरह की अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर आप लाइक like और शेयर जरूर कीजिएगा शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट्स हैं तो आप लोगों के लिए कंपटीशन कम्युनिटी द्वारा सी जी पी एस सी प्रिलिम्स हेतु एक मोबाइल कोर्स लॉन्च किया गया है उस मोबाइल कोर्स को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पर ट्वेंटी थर्ड ऑफ नवंबर से लेकर तीस नवंबर तक आपके पास ऑफर है ट्वेंटी परसेंट का यहाँ आपको डिस्काउंट मिलेगा अधिक जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हो एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है आप लोगों के लिए कि अगर आप कंपटीशन कम्युनिटी से जुड़कर अपनी परीक्षाओं की तैयारी बेहतर तरीके से करना चाहते हो तो इसके लिए कंपटीशन कम्युनिटी का मोबाइल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में उस मोबाइल एप्लीकेशन का आपको लिंक अवेलेबल कराया गया है तो उस लिंक पर क्लिक करके कॉम्पटिशन कम्युनिटी के मोबाइल कोर्स मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा उस मोबाइल एप्लीकेशन पे सारे वीडियोस लेक्चर्स जो भी कोर्सेज के अवेलेबल हैं वो सारे जितने भी पीडीएफ्स हैं जितने भी मटेरियल है सब के सब आपको मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगा तो आप मोबाइल एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है तो डाउनलोड करें और हमारे साथ जुड़कर अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर तरीके से सुनिश्चित करें क्लियर है चलिए पिछले वीडियो में हमने जितने टॉपिक्स एनालिसिस किया था उस टॉपिक्स के आधार पर कुछ क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं जिनका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है ये एक रिवीजन क्वेश्चन होता है तो अगर अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या प्ले में जाकर पिछला वीडियो देख लें उसके बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा चलिए पहला क्वेश्चन है हाल ही में प्रदेश में कितने नए तहसीलों का गठन किया गया है ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा कमेंट करके सही आंसर जरूर बताइएगा चलिए सेकंड क्वेश्चन है हाल ही में 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 मरवाही हुए विधानसभा उपचुनाव किसकी जीत हुई है आपके सामने ऑप्शन इस प्रकार से रहा इसका जवाब भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा तीसरा क्वेश्चन है एनएमडीसी द्वारा बस्तर जिले के नगर नार में कितने एकड़ क्षेत्र में स्टील प्लांट की स्थापना की जा रही है ऑप्शन इस प्रकार से रहा सही जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लास्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में इस साल न्यूनतम समर्थन मूल्य कब से की खरीदी की जाएगी ऑप्शन है और ब्रीफ में हमने लेक्चर में तो अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है पिछला तो पिछला वीडियो देखकर जरूर कीजिएगा ठीक है चलिए आज के हम अपने लेकिन पहले पिछले वीडियो में हमने जो पहला टॉपिक डिस्कस किया था तो उस टॉपिक में तेईस जो है आपका नए तहसील का गठन किया गया था और उसके बाद मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ में टोटल जो तहसीलों की संख्या है वो किस प्रकार से हो गई है तो मैंने आपको बताया था कि 150 पहले से हैं और तेईस हो चुके हैं यानी कि मैंने आपको बताया 173 लेकिन उसके बाद बहुत सारे कमेंट्स भी आए और मैंने क्रॉस चेक भी किया तो अभी वर्तमान समय में अगर मैं टोटल तहसीलों की संख्या बताऊं तो वो है आपका 177 यानी कि पहले से 154 है और अब तेईस है तो 177 पहुंच गए हैं तो इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा करेक्शन कर लीजिएगा अगर मैंने वहां पर आपको 173 बताया है तो तो बेहतर तरीके से करेक्शन कर लीजिए फिक्र मत कीजिएगा कोई भी डेटा अगर मेरे से गलती होती है तो उसे मैं ज़रूर सुधारूंगा अगर आपको कहीं पर कुछ भी डाउट हो किस टॉपिक में अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर सर ने गलत बता दिया यहाँ पर हाँ ये डेटा होना चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आराम से कमेंट कर दीजिएगा मैं हर एक कमेंट को क्रॉस चेक करता हूँ अगर आप सही हुए तो मैं उसे जरूर सुधार करूंगा ठीक है चलिए आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो इंदिरा प्रिय दर्शनी नेचर सफारी मुहिरेंगा के बारे में है यानी कि छत्तीसगढ़ में टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए और टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार लगातार प्रयास कर रही है चाहे वो राम गमन पथ के माध्यम से हो चाहे वो जितने भी वाटर रिजर्व हैं डैम्स के वहां पर डेवलपमेंट का कार्य करने का हो और इसी कड़ी में अब जो है छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक नई पहल शुरू की गई है एक मुहिरेंगा आपका नेचर सफारी शुरू किया गया है स्थित कहाँ है तो आपका रायपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर यानी कि खरोरा तिलदा मार्ग पर यह स्थित है मुहिरेंगा नेचर सफारी अब एक बात यह ध्यान रखिएगा कि इस मुहिरेंगा नेचर सफारी का जो नाम रखा गया है वो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नाम पे रखा गया है क्लियर है इसका लोकेशन याद रखिएगा में पूछा जा सकता है एरिया याद रखिएगा कि कितने एरिया में इस सफारी का निर्माण किया गया है तो पांच हेक्टेयर और इसका निर्माण यानी कि डेवलप किसके द्वारा किया गया तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ द्वारा इसका निर्माण किया गया है तो प्रीलिम्स के लिए यहां पर इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं तो इसे आप ध्यान रखिएगा इसके अलावा अगर इस नेचर सफारी से रिलेटेड कुछ और यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें तो यहाँ पर जो है तीस से चालीस पक्षियों की प्रजाति है इसके अलावा चीतल जंगली शूअर खरगोश यार लुमड़ी बंदर नेवला इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि इस नेचर सफारी में कौन कौन से जंतु पाए जाते हैं कुछ ऑप्शन दे दिए जाएंगे उसके बाद आपको सही आंसर को चुनना होगा तो इस तरह से यहाँ पर इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा क्लियर है नेचर सफारी के बारे में याद रखिएगा खासकर ये टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया है और यहां पर टूरिज्म सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके और इस क्षेत्र में खासकर ये इस नेचर सफारी के आने के बाद वहां के स्थानीय लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकेगा रोजगार मिल सकेगा और छत्तीसगढ़ के राजस्व को भी बढ़ाया जा सकेगा तो इसके बहुत सारे फायदे हैं तो इस तरह से आपको यहां कुछ पॉइंट्स को याद रखना होगा क्लियर चलिए पढ़े नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अगला जो हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ के पांच कमीशन के अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है वन डे एग्जाम के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है पांचों कमीशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनको उनका नाम भी आपको याद रखना होगा पांचों कमीशन के बारे में भी याद रखना होगा और इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कितने कमीशन के प्रेसिडेंट को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है तो इसका आंसर क्या होगा पांच कमीशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है कैबिनेट मंत्री का दर्जा क्यों दिया गया है ताकि जितने भी इस कमीशन से रिलेटेड काम हैं उसे सरलता पूर्वक किया जा सके इनके खुद के पास में वो पावर होगा डिसीजन लेने का कैबिनेट मंत्री के दर्जे के बाद ताकि इस आयोग से रिलेटेड काम को ज़्यादा से ज़्यादा आसान बनाया जा सके ठीक है तो इस प्रकार से कौन कौन से कमीशन है इसके बारे में आप याद रखिएगा पहला नाम है महंत राम सुंदरदास ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के प्रेसिडेंट है इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है इसके बाद किरण मई नायक है इनको छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की प्रेसिडेंट है इनको भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा इसके अलावा महेंद्र सिंह छावड़ा छत्तीसगढ़ राज्य माइनोरिटीज कमीशन के जो है ये प्रेसिडेंट है इसके अलावा थानेश्वर साहू ये हैं छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि छत्तीसगढ़ स्टेट बैकवर्ड क्लासेस के कमीशन के प्रेसिडेंट है इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है और लास्ट में है गुरप्रीत सिंह बाबरा ये है छत्तीसगढ़ राज्य खाद आयोग के प्रेसिडेंट इनको भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है और इन पांचों को जो है कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है इनकर, इनके इनके शिष्टाचार व्यवहार की वजह से ठीक तो इन पांचों के नाम और कौन कौन से कमीशन से जुड़े हुए हैं इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा प्रम्स के लिए ये मस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक चलिए इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है देश की पहली महिला स्पेशल क्लिनिक छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है इस क्लिनिक की अगर हम बात करें तो हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर कौन सी योजना के तहत मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत एक महिलाओं के लिए निःशुल्क स्पेशल क्लिनिक जिसका नाम क्या रखा गया है याद रखिएगा दाई दीदी इसका शुभारंभ किया गया है इस क्लिनिक के माध्यम से जो शहरी स्लम एरिया है उस एरिया में महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा और यह बिल्कुल निशुल्क होगा मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत इस क्लिनिक की शुरुआत की गई है और अभी आप अगर मानोगे तो यह एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसे छत्तीसगढ़ के तीन बड़े नगर निगमों में शुरू किया गया है पहला नगर निगम कौन सा है रायपुर दूसरा है भिलाई और तीसरा है आपका बिलासपुर तो आप इसे एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कह सकते हो अगर यह सफल होता है तो छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में इसे शुरू किए जाने का प्लान है तो याद रखिएगा दाई दीदी क्लिनिक किससे संबंधित है और किस योजना के अंतर्गत शुरू किया गया है अगर इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो ये आपका आंसर होगा मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य योजना तो अब ये मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना क्या है तो आपको याद है कि 2019 2 अक्टूबर 2019 को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पांच बड़ी स्कीमों की शुरुआत की गई थी तो उसमें से एक था शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना जिसे कि दो अक्टूबर दो को शुरू किया गया था याद रखिएगा और इस योजना के अंतर्गत में छत्तीसगढ़ के जितने भी शहरी क्षेत्र हैं नगरीय निकाय क्षेत्र हैं उस नगरीय निकाय में स्लम एरियो में निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा पहुंचाना इस योजना का उद्देश्य था तो याद रखिएगा शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के बारे में भी आपको ध्यान रखना होगा और दाई दीदी क्लिनिक योजना यानी कि दाई दीदी क्लिनिक कार्यक्रम जो शुरू किया गया है इस योजना के अंतर्गत में इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा और कौन कौन से क्षेत्र में शुरू किया गया है तो रायपुर नगर निगम भिलाई नगर निगम और बिलासपुर नगर निगम इन तीन नगर निगमों का नाम भी आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं क्लियर चलिए अगला हमारा टॉपिक है राज्य स्वच्छता पुरस्कार दो यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक स्टेट लेवल पर सर्वे किया गया और राज्य स्वच्छता पुरस्कार 2020 का अनाउंसमेंट हाल ही में किया गया है तो विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर अब यहाँ पर आपसे एक सवाल है कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है इसका जवाब आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा तो याद रखिएगा विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर राज्य स्वच्छता पुरस्कार 2020 में सरगुजा जिले को जो है वो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है सरगुजा जिले ऑब्वियस बात है कि प्रथम स्थान ही प्राप्त करेगा क्योंकि आपको पता है कि शहरी क्षेत्रों के लिए जब इस वर्ष हो गया यानी कि 2020 का स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार हो गया या फिर 2019 का स्वच्छता पुरस्कार हो गया जो शहरी क्षेत्रों के लिए निकाला जाता है उसमें अंबिकापुर हमेशा जो टॉप के सिटीज होते हैं उसमें अंबिकापुर का नाम आता है तो इस साल भी स्वच्छ अगर सरगुजा जिले की बात करें अगर हम अंबिकापुर जिले की बात करें तो जो अगस्त में आपका स्वच्छता सर्वेक्षण जारी किया गया था शहरी क्षेत्रों के लिए तो उसमें आपका एक से दस लाख जनसंख्या वाले शहरों की स्थिति में अंबिकापुर आपका फर्स्ट नंबर पे था इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा पढ़ा चुका हूं बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से क्वेश्चन हर साल स्वच्छता सर्वेक्षण से रिलेटेड एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अलावा एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की कैटेगरी में भी अंबिकापुर को कौन सा रैंक मिला था फोर्थ रैंक मिला था इसके अलावा और क्या आपको याद रखना है स्वच्छता से रिलेटेड अंबिकापुर से संबंधित तो फाइव स्टार गॉर्वेज फ्री सिटीज के लिए जो रैंकिंग रिलीज किया गया था तो उसमें पांच शहरों को शामिल किया गया था जिनको फाइव स्टार प्राप्त हुआ था तो उस पांच शहरों में आपका पूरे देश भर में पांच शहर थे तो उस पांच शहर में एक आपका अंबिकापुर भी था तो इससे रिलेटेड आप यहां पर अंबिकापुर से रिलेटेड खासकर खास स्वच्छता सर्वेक्षण से रिलेटेड आप कुछ कुछ पॉइंट्स को याद रखिएगा फिर से रिपीट कर दे रहा हूं एक से दस लाख जनसंख्या वाले में अंबिकापुर को फर्स्ट प्राप्त हुआ था एक से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में अंबिकापुर को फोर्थ और फाइव स्टार सिटी में जो कि पूरे देश भर में पांच से के गया था। उसमें तो हाँ सरगुजा तो को फर्स्ट रैंकिंग मिला है तो इसके अंतर्गत राज्य स्तर पर यानी कि स्टेट लेवल पर सरगुजा जिले से नौ श्रेणियों में ग्यारह विजेताओं का चयन किया गया और अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात करें तो एट कैटेगरी में आपका यहां पर विजेता प्रतिभागियों का जो है वो चयन किया गया और इसके तहत सरगुजा जिले को जो है एक करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है अगर हम ओवरऑल स्टेट लेवल पर बात करें तो ओवरऑल स्टेट लेवल पर जो है अलग अलग कैटेगरी में पंद्रह कैटेगरियों के तहत लगभग चार करोड़ पैंतीस लाख रुपए जो है वो पुरस्कृत किया गया है इस टॉपिक में आपके लिए जितने पॉइंट्स मैंने अंबिकापुर से रिलेटेड बताए वो इंपॉर्टेंट है राज्य स्वच्छता पुरस्कार 2020 से संबंधित फर्स्ट रैंक जो सरगुजा को मिला है उससे रिलेटेड याद रखिएगा कितने कैटेगरी में स्टेट लेवल पे मिला कितने कैटेगरी में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिला और इसके अलावा टोटल कैटेगरी कितना था और टोटल पुरस्कार कितना दिया गया तो इतने कुछ चार पांच पॉइंट्स को आपको यहां पर ध्यान रखना होगा लेकिन खासकर जो आपका नेशनल लेवल पे जो स्वच्छता रैंकिंग रिलीज किया गया था अगस्त में शहरी क्षेत्रों के लिए तो अंबिकापुर की स्थिति किस प्रकार से थी वो आप ध्यान रखिएगा यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है क्लियर चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं ये भी आपका जो है स्वच्छता पुरस्कार से संबंधित है लेकिन पिछले वाले टॉपिक में जो हमने पढ़ा वो आपका स्टेट लेवल का रैंकिंग था लेकिन अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो है नेशनल लेवल का रैंकिंग हाल ही में कांकेर जिले और बेमेतरा जिले को जो है विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दो जिला कौन कौन सा कांकेर और बेमेतरा को स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है और कौन से कैटेगरी में इनको सम्मानित किया गया है तो ये है आपका ओडीएफ प्लस की श्रेणी में यानी कि ओपन डिफेक्शन फ्री यानी कि खुले में शौच से मुक्त के लिए जिस प्रकार से कांकेर जिला ने काम किया है जिस प्रकार से बेमेतरा ने काम किया है वहाँ पर ग्राम पंचायतों में लोगों को जागरूक करने का काम किया है चाहे बेमेतरा हो चाहे कांकेर हो तो उसी कार्य के लिए जो है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इनको राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया विश्व शौचालय दिवस और जैसे मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा कि विश्व शौचालय दिवस प्रत्येक वर्ष किस प्रकार कब मनाया जाता है इसका जवाब आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और कमेंट को आप लोग पढ़ा जरूर कीजिएगा क्योंकि अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो बहुत सारे लोग नीचे इसका आंसर किए रहते हैं तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जो शौचालय दिवस है विश्व शौचालय दिवस वो कब मनाया जाता है क्लियर है चलिए बढ़े नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अगला टॉपिक है हमारा छत्तीसगढ़ के दो मत्स्य कृषकों को मिला है राष्ट्रीय सम्मान ये भी आपका वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा ठीक चलिए तो दो मत्स्य कृषक को मछली पालन के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है तो कौन से वो दो राष्ट्रीय कृषक हैं या कौन सी दो कंपनी है जिनको सम्मानित किया गया तो पहला है मेमर्स एमएम फिश सीड कल्टीवेशन प्राइवेट लिमिटेड जो कि माना में स्थित है माना कहाँ रायपुर जिले में स्थित है यहाँ पर इनको बेस्ट फिशरीज इंटरप्राइजेस के तहत दो लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया है और दूसरा पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है मेमर्स एम आई के कंपनी जो कि धमतरी जिले में स्थित है धमतरी जिले का कौन सा क्षेत्र सिहावा क्षेत्र और इसको कौन से कैटेगरी में दिया गया बेस्ट प्रोपाइटरी फर्म कैटेगरी में जो है इनको पुरस्कार प्रदान किया गया है तो इन दोनों का आप नाम याद रखिएगा विश्व मतस्ती दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इन दोनों 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 ही कंपनियों 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 को का का नाम आप याद का आप लोकेशन याद याद रखिएगा रखिएगा लोकेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि विश्व मत्स्की दिवस कब मनाया जाता है यानी कि वर्ल्ड फिशरीज डे कब मनाया जाता है तो वर्ल्ड फिशरीज डे आपका मनाया जाता है ट्वेंटी नवंबर को ठीक याद रखिएगा फिल्म के लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखिएगा राष्ट्रीय मछुआ दिवस यानी यानी कि कि नेशनल फिशरमैन डे कब मनाया जाता है सबसे पहले विश्व मत्स्कृति दिवस यानी कि वर्ल्ड फिशरीज डे कब मनाया जाता है 21 नवंबर को और मछुआ दिवस कब मनाया जाता है राष्ट्रीय मछुआ दिवस वो आपका मनाया जाता है दस जुलाई को इस बात को भी आप याद रखिएगा और ये तो हो गया दो में छत्तीसगढ़ के दो कंपनी को जो है राष्ट्रीय की पुरस्कार से सम्मानित किया गया है लेकिन यह भी याद रखिएगा कि वर्ष 2019 में भी दो लोगों को जो है की पुरस्कार से राष्ट्रीय लेवल पर सम्मानित किया गया था छत्तीसगढ़ से ही उन दोनों का नाम है पहला नाम है प्रशांत सांतरा जो कि दुर्ग से है और दूसरा नाम है आपका सुदीप दास जो कि गरियाबंद के रहने वाले थे तो दो का भी याद रखिएगा अगर दो से पूछ दिया जाता है तो भी आपको पता होना चाहिए अगर 2020 से पूछा जाता है तो भी आपको यहां पता होना चाहिए ठीक इसलिए मैं बोल रहा हूँ पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से जरूर डाउनलोड कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो आपको हमेशा आपके पास रहेगा हमेशा आपके माइंड में रहेगा और जब आपको रिवाइज करने का मन हो तो एक बार आप इसे खोलकर अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं क्लियर चलिए इसके बाद अगला टॉपिक है मध्य भारत की पहली सर्व सुविधा युक्त टेनिस स्पोर्ट्स एकेडमी के बारे में तो हाल ही में इस टेनिस स्पोर्ट्स अकेडमी का लोकार्पण किया गया है और कब किया गया है तो वही पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ का पहला टेनिस अकेडमी का भूमि पूजन रायपुर में किया गया है और इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के संस्कृति भवन से लगी चार एकड़ भूमि में टेनिस स्पोर्ट्स एकेडमी का जो है वो निर्माण किया गया है एक बात ध्यान रखिएगा अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि टेनिस कोर्ट का जो निर्माण किया जा रहा है वो वो कितने क्षेत्र में किया जा तो किया जा जा रहा रहा है है टेनिस कोर्ट तो आपका दो एकड़ में लेकिन अगर पूरा टेनिस एकेडमी के बारे में पूछा जाए कि कितने एकड़ में निर्माण किया जा रहा है इसका तो इसका निर्माण चार एकड़ में होगा जो एमसीक्यूज वाला सीरीज था हमारा अक्टूबर महीने का जो कि हम एक दो दिन पहले हमने एनालिसिस किया था उसमें मैंने आपका शायद टेनिस कोर्ट का प्रश्न पूछा था तो उसमें आंसर लिया गया था दो एकड़ लेकिन अगर पूरा एकेडमी का प्रश्न होता तो उसमें चार एकड़ होगा ठीक है तो यहाँ पर कंफ्यूज़ मत होइएगा और इसके लिए चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और इसके लिए राज्य शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा सत्रह करोड़ पचहत्तर लाख रुपये का जो है वो बजट आवंटित किया गया है इस एकेडमी के निर्माण हेतु तो याद रखिएगा प्रदेश का पहला टेनिस एकेडमी रायपुर में खोला जा रहा है बजट कितने का है कौन से क्षेत्र में खोला जा रहा है एरिया कितना होगा इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना होगा और खासकर इस एकेडमी के खुलने के बाद छत्तीसगढ़ में टेनिस स्पोर्ट्स से रिलेटेड नेशनल लेवल पे जा सकेंगे खिलाड़ी यहाँ के इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे यहाँ पर सारी सुविधाएँ जो है इनको प्रॉपर वे में दिया जाएगा क्लियर चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हाल ही में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था फुल भाषण बाई के बारे में वो KBC के बी सी के बारहवें सीज़न के स्पेशल एपिसोड में वहाँ गई थी और पचास लाख रुपये का पुरस्कार भी जीता था उनके बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे हमने एनालिसिस कर लिया था अब इसी KBC के बी सी के बारहवें सीजन में एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका बन जाता है और एक और इम्पोर्टेंट नाम आपका जुड़ जाता है इनका नाम है अनुपा दास सोनी इन्होंने हाल ही में KBC के बी सी के बारहवें सीजन में जो है एक करोड़ रुपये का जो है राशि जीती है और ये रहने वाली है बस्तर की और इनसे रिलेटेड एक पॉइंट और आप ध्यान रखिएगा कि बस्तर संभाग की अब तक की पहली महिला प्रतिभागी हैं और सिर्फ महिला ही नहीं बस्तर संभाग की ये पहली ऐसी प्रतिभागी हैं जिन्होंने केबीसी में पुरस्कार जीता है यानी कि कौन बनेगा करोड़पति में तो कौन बनेगा करोड़पति के बारहवें संस्करण में दो नाम आपको याद रखना है फुलवासन भाई जो कि राजनांदगांव की है और इनका नाम अनुपा दास सोधी जो कि बस्तर की है तो दोनों का नाम आप याद रखिएगा इन्होंने एक करोड़ रुपए का पुरस्कार जीता है और फुलवासन भाई इस्पे, आ, में थी और उन्होंने के बारे में राहुल गुप्ता 2018 में इन्होंने एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई की थी और उस एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई करने के बाद इन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को लहराने के बाद छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह को भी वहाँ पर लहराया था अब उसी प्रतीक चिन्ह को हाल ही में राजभवन में रखने के लिए इन्होंने राज्यपाल को भेंट किया है तो याद रखिएगा राहुल गुप्ता से रिलेटेड एक बार आई थिंक प्रश्न पूछा जा चुका है राहुल गुप्ता छत्तीसगढ़ के सबसे सफल जो है पर्वतरोही माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने एवरेस्ट की फतह की है और ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाले छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति थे जो कि मई 2018 में इन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई किया था ठीक है और इस राज्य प्रतीक को जो है राज्य सम्मान के रूप में राजभवन में रखी जाएगी इस बात को क्लियर रखिएगा चलिए इसके अलावा एक तो हो गया राहुल गुप्ता का नाम जो कि छत्तीसगढ़ के पर्वतरोही हैं और इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके वन डे एग्जाम के लिए जो छत्तीसगढ़ में कंडक्ट कराए जाते हैं वो फेवरेट क्वेश्चन होता है किसी भी एजेंसी का चाहे आप सी ले लो चाहे आप व्याप्याम ले, ले लो इन लोग प्रश्न पूछते ही हैं तो छत्तीसगढ़ के और पर्वतरोहियों का आपको नाम याद रखना है जैसे इनका नाम क्या है राहुल गुप्ता ये छत्तीसगढ़ के पहले ऐसे पर्वतरोही हैं जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की दूसरा नाम या आप याद रखिएगा हेमंत गाड़ेश्वर ये आपके कोरबा जिले के रहने वाले हैं ये भी एक छत्तीसगढ़ के सफल पर्वतरोही है और बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत पर इन्होंने भी चढ़ाई की और इनका अगला टारगेट एवरेस्ट ही है इसके अलावा आपको चित्रसेन साहू के बारे में याद रखना है या एक दिव्यांग जो है पर्वतरोही हैं इन्होंने भी बहुत नाम कमाया है इसके अलावा आप नैना के बारे में याद रखिएगा इसके अलावा आप यासी जैन के बारे में याद रखिएगा यासी जैन के बारे में हमने पढ़ा था कि ये यूरोप के सबसे ऊँचे पर्वत किलो मंजारों पर इन्होंने सफल चढ़ाई की थी तो इस तरह से आपको इनके कुछ पॉइंट्स को याद रखना होगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो राहुल गुप्ता के अलावा चार पांच और ऐसे पर्वत पर्वतरोही है जिनका नाम मैंने आपको बताया इनके बारे में भी आपको ध्यान में रखना होगा यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है क्लियर चलिए इसके बाद आज के इस एनालिसिस वीडियो में जो हमारा लास्ट का टॉपिक है भारतीय नौसेना के जज एडवोकेट जनरल के रूप में अपॉइंट किए गए हैं जिनका नाम है अतुल चंद्र तिवारी ये टॉपिक इसलिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ मूल के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनका भारतीय नौसेना में जज एडवोकेट जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया है ये पहले रियर एडमिरल थे जिनको प्रमोट किया गया है जज एडवोकेट जनरल के रूप में और छत्तीसगढ़ के ये पहले मूल व्यक्ति हैं जिनको इंडियन नेवी का जज एडवोकेट जनरल अपॉइंट किया गया है प्रीलिम्स के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है तो बहुत ध्यान रखिएगा इनके बारे में अगर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लें तो नाइनटीन में इन्होंने इंडियन नेवी को ज्वाइन किया था और सेना में इस पद पर पहुंचने वाले जैसे मैंने बताया कि ये छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति हैं इस पोजीशन पर पहुंचने वाले पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई किया है और वहाँ ये गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और 2005 में इन्हें इनकी सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए कमांडेशन चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का अवार्ड भी दिया जा चुका है तो इनके बारे में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर बन सकते हैं इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है वन डे एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है तो आज के इस सेशन में फिलहाल इतना ही हाँ वीडियो पसंद आने पे आप लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों तो तक शेयर कीजिएगा फिर से बोल दे रहा हूँ अगर आप इंग्लिश मीडियम का एक एक्सपेरेंट्स हैं तो आपके लिए अलग से एक मोबाइल कोर्स डिजाइन किया गया है जिसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है आपका 23 नवंबर से अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कॉन्टैक्ट्स नंबर दिए हुए हैं इंग्लिश मीडियम के लिए एक अलग से टेलीग्राम चैनल भी क्रिएट किया गया है जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा मैगजीन का पी या जितने भी कंटेंट्स का पी होता है या जितने भी कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स हैं सबके सब आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएंगे ठीक है तो अगर किसी भी प्रकार से इस लेक्चर से रिलेटेड कुछ डाउट हो या किसी भी प्रकार से मन में कोई शंका हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं सीजीपीएससी की, की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।